हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सभी को एंड वेलकम बैक टू आरुषि राज व्लॉग्स। तीज का दिन 6 सितंबर, और हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। रात में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी सोने में, तो अभी उठे हैं। पहले तो आप सभी को बहुत ही बहुत शुभ तीज, हैप्पी तीज। और अभी मैं उठ गई हूँ, आरुषि सो रही है। आरुषि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है रात में, उसे कोल्ड हो रखा है। और जैसे पता है, हैदराबाद में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, मौसम बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया। वैसे अभी सुबह सुबह थोड़ा धूप लग रहा है। और ये देखिए, मेहंदी मैंने लगाया है, ये मम्मा ने लगाया है मेरा ये राइट हैंड में। और पहले तो इसी तरीके के मेहंदी लगाए जाते थे, इस बार मैं ज़्यादा ओवर नहीं किया, मतलब बाहर जाके लगवाना एंड ऑल, क्योंकि आरुषि का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, जो कि मुझे और मेरे फैमिली को तो पता है, बट बीइंग अ यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरे यूट्यूब के परिवार हो, तो आप लोग को भी ये पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी स्नान कर लेती हूँ और फिर सुबह का पूजा करेंगे। दोस्तों, मैं स्नान करके रेडी हो चुकी हूँ। और अभी ये सिंदूर देख रहे होंगे, ये मेरे सिंघोरा का है, मतलब जो शादी में मिलता है, जो शादी में लगाते हैं सिंदूर, वो वाला सिंदूर है। पहले ऑरेंज चल रहा था, उसके बाद में तो रेड लगाते ही हमेशा। अभी ये हल्का गुलाबी बेबी पिंक कलर का सिंदूर है, तो इसे मैं पहले लगा ली, उसके ऊपर से फिर जो हम नॉर्मल सिंदूर लगाते हैं वो लगाऊंगी मैं। और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ कैसा लग रहा है देख के, मतलब कि ये वाला सिंदूर जब शादी हुआ था उस टाइम पे लगता है। और जो भी फेस्टिवल वगैरह डेली, मैं भी जो ऐसे रेगुलर सिंदूर है उसमें भी मैं ऐड करके ही लगाती हूँ। और जब तक लाइफ है, जब तक हस्बैंड है, जब तक, तो ये सिंदूर लगाना ही चाहिए, शादी का है ये सिंदूर। और हम लोग ये सिंदूर पूजा पे नहीं चढ़ाते, एक बार मतलब जब शादी हुआ था उस टाइम पे, जब हवन वगैरह हो रहा था उसी टाइम पे एक बार भगवान जी को मतलब चढ़ाया गया था कि हमारा जो सुहाग है, जो हमारा मतलब कि मैरिड लाइफ है, सक्सेसफुल, अच्छे से चलते रहे, अच्छे से रहे। और अब और इसे डेली यूज में भी लेते रहते हैं। जैसे कि अभी तो बहुत लोग को नॉर्मल नहीं लग रहा होगा ऐसा लगा हुआ सिंदूर, जैसे ऑरेंज आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, नागपुर से भी सिंदूर लगाते हैं, तो मैं इसीलिए इसमें मिक्स कर लेती हूँ नॉर्मल जो भी सिंदूर है जो मैं लगाती हूँ, और बहुत टाइम तक भी टिका हुआ रहता है। तो मैं भी रेड कलर का लगाती हूँ, एकदम से फेस ना अलग हो जाता है जैसे सिंदूर लगता है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ लगाती हूँ। दोस्तों, स्नान करने के बाद मैं मंदिर आ गई, आरुषि भी मेरे साथ पीछे पीछे थी। और सुबह सुबह पहले हम लोग शिव पार्वती माता का पूजा करते हैं, शिव जी पार्वती माता का। और यहाँ पे आरुषि साथ में ही है, वो पीछे पीछे लगी हुई थी, उसे बहुत मज़ा आता है। जब भी मंदिर में जाते हैं तो वो सोचती है कि दिया बाती अगरबत्ती जो भी पूजा करते हैं उसे वो पकड़ ले, उसे वो अच्छा लगता है वो लाइट पकड़ने के लिए, तो वो मेरे साथ ही पीछे पीछे थी। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में तीज 2 से 3 प्रकार के होते हैं। हरितालिका तीज कथा होता है, और कजरी तीज होता है, और सावनी तीज होता है। तो बहुत सारे लोग मतलब हर एक सावन से तीज स्टार्ट हो जाता है, और हमारे बिहार में ज़्यादातर हरतालिका तीज का मान्यता है। हरतालिका तीज यानी पार्वती माता जो कुंवारी थी वो शिव जी की आराधना करती थी कि उन्हें वर के रूप में यानी कि पति के रूप में सदैव वह शिव जी को चाहती थी अंतर मन से, और अंतर भक्ति करके, ध्यान साधना करके वह संसारिक रूप में भी भगवान को पा लेती है। हरितालिका कथा के अनुसार पार्वती माता जब कुंवारी थी वह भगवान शिव की बहुत आराधना करती थी। वह जाके पहाड़ों के पास एक गुफा में ध्यान करती थी और अंतर मन से शिव जी से जुड़ी। ये बात राजा हिमनरेश को बहुत सताने लगी कि पार्वती माता किसी और को चाहने लगी है, मतलब किसी और को ही अपना वर चुन चुकी है। फिर वह नारद मुनि जाकर हिमनरेश से बात करते हैं कि आपकी पुत्री का विवाह शिव जी के लिए ही हुआ है
और वह भी जानते थे कि यह जो बना हुआ है रीति, यह शिवजी और पार्वती माता का मिलन तो निश्चय है। किंतु अब क्योंकि वह संसारिक रूप में एक पिता थे हिमनरेश जी, वह इस बात से थोड़े रुष्ट से थे थे। कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर कोमल, रुष्ट थे कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर कोमल और फूलों में पली है, और वह कैसे इस जटाधारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगी। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि बाहरी रूप से किसी का कोई लेन देन नहीं, और वह जैसे बाहरी रूप से दिखते हैं वैसे ही मुझे वह अंतर रूप से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और मैं उन्हें ही अपना वर मान चुकी हूँ। तो चाहे वह कैसे भी दिखते हों, चाहे वह विभूति लगा के रहें या गले में सर्प डाल के रखें, वस्त्र कुछ भी धारण तो किया दोस्तों, हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी को मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उनका बाहरी स्वरूप आपको मायने नहीं रखता। मायने रखता है अंतर से उनको मानना, अंतर प्रेम होना और ईश्वर से जुड़ना। तो दोस्तों, यहाँ पे पूजा मैं कर रही हूँ, और कथा तो वैसे तो बहुत बड़ी है, जो इसका जिस्ट है, जो इसका सारांश है, मैंने आपको देने की तो कोशिश जैसे की। दोस्तों, जिस प्रकार पार्वती माता अपने दिल से और सांसारिक रूप में शिव जी को पा लेती है, उसी समय से हरितालिका तीज कथा का बहुत ही महत्व बढ़ चुका है। और जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं और कुंवारी लड़कियां हैं, वो अपना मन चाहा वर और अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनके सांसारिक रूप में आगे बढ़ने के लिए वह इस व्रत को करती हैं। और शिव पार्वती माता का हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बना रहे, इस वजह से जितनी भी महिलाएं हैं इस कथा और इस पर्व को जरूर से जरूर करती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी, फिर मुझे याद आया कि फ्लावर्स एक्चुअल में हुआ क्या था कि फ्लावर्स बाद में आए थे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी फ्लावर्स जितने भी थे, जितने भी फूल थे, वो मैं भगवान जी के पास में, महाराज जी के पास में चढ़ाने लग गई। और फूल चढ़ाते चढ़ाते आरुषि पीछे आ गई कि उसे भी साथ में ही पूजा करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भजन ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोस्तों यहाँ पे भैया शाम के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर चुके हैं फ्लावर्स का, और लाइट्स वगैरह लगाना बाकी है, जो लाइट्स लगाने का था तो भैया वही कर रहे थे। आरुषि बिल्कुल भी करने नहीं दे रही थी और मामा को बहुत ही ज्यादा तंग कर रही थी। जय 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 जय। तुम स्नान नहीं की हो ना? हाँ, नहीं रखी हो स्नान? आरुषि दे दो, भगवान जी का दे दो। क्या हुआ? क्या हुआ? दोस्तों, ये साड़ी वही साड़ी है जो मेरे भैया ने मुझे राखी पे दी थी। मतलब बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी शॉपिंग करता है, बहुत ध्यान रखता है हमारा, लड़ते तो बहुत ज़्यादा हैं हम लोग, लेकिन शादी के बाद और भी ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं भाई लोग। तो अभी मम्मी भी तैयार हो रही है, मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है, आरुषि बहुत उठ रही है, उसको कोल्ड है। तो चलिए, अभी मैं आपको शाम में मिलूंगी। शाम में भी जल्दी पूजा ही करेंगे हम लोग, 6-7 बजे तक सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पूजा कंप्लीट कर लें, कथा सुन के फिर हम लोग 12 बजे तक जागरण करेंगे। ऐसे तो पूरी रात ही बहुत लोग नहीं सोते हैं, सुबह होने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद सो जाते हैं, या फिर 4 o'clock तक पूजा वगैरह करके उसके बाद, क्योंकि सुबह होकर फिर गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का पहला दिन है, तो उनको भी बहुत सारे लोग बिठाते हैं, जो नहीं बिठाते वो भी उनका पहले दिन पूजा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मम्मी रेडी हो गई है क्या? मम्मी को देखते हैं। जो मामू को दो ना, वो आप हाथ में मत रखो, दिखाओ दिखाओ ना, मामा के दे दो, मामा के। अब बैठ गई, इसको बहुत बड़ा काम मिल गया। दो ना बेटा, मामू डेकोरेशन कर रहे हैं, दे दो। गिरा दिए, दे दो। बाबू बाबू अमर,
दिशु। देखो मम्मी आवा आवा करे जा आवा आवा क्यों रो रही है बता पहले। ये मामू डेकोरेशन कर रहे हैं तो इसको ये सेफ्टी पिन चाहिए। क्यों 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 रो रही है कैमरा में देख के बता क्यों रो रही है। इसको चाहिए सेफ्टी पिन नाल पिन जो इसके मामा सजा रहे वो वाला उसके लिए रो रही है। ना ही कि इसको भूख लगा है ना ही कि इसको घूम रहा है ना ही कि इसका कार्टून चल रहा है सब चल रहा है। इसको नहाया भी नहीं है इसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है फिर भी चिल्लाई जा रही है। और ये रात में हम लोग मेहंदी लगाए उसी का स्टेन है इसके पूरे टी शर्ट में। ठीक है आरुषि बहुत अच्छी इसकी बुराई नहीं अच्छा नहीं करेंगे बुराई नहीं करेंगे नहीं। अच्छा बताओ कि रो क्यों रही थी तुम इतनी शांत है नहीं जितनी शांति दिखती है बहुत ज्यादा शैतान है ना ऋषि। अरे बेबी दिखाओ तो अपना फेस दिखाओ आंसू तो दिखाओ आंसू के धारा आंसू को दौरा तो दिखाओ मेरा बेबी हद से ज्यादा बढ़ रहा है। मैं सबको दिखाऊंगी तेरा ये जो हरकते है ना इसको अभी चढ़ के वो आलपिन लेना है। ये है इसके रोने की खुशी की वजह देखो अभी सब लोग देखिए देखो कितनी खुश हो गए वाओ। बस बस अरे इसको कुछ नहीं क्या बेटा इसको कुछ नहीं हुआ देखो उसको क्या चाहिए लो अच्छा लो अच्छा ठीक है लो लो देखो इसकी ये लो इसकी खुशी फायदा भी नहीं रहेगी। अच्छा लो सारे लो लो सारे लो 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 ना चीनू मामू को परेशान कर रही है ना लो ये इसका हाँ रोने और खुशी के कारण दोनों यही है। मामू डेकोरेशन कर रहे हैं ना आरुषि क्या है बेटा क्या है बेटा दे ही नहीं सकती है वो उसी के लिए तो रो रही है वो उसमें नहीं छुप सकती हो दिखा ये इसकी खुशी और लग चुभेगा तो क्या होगा आरुषि चुभेगा तो क्या होगा आरुषि नहीं ये वाला लाइट्स लाके रखी थी ना चला पूजा करे चला बेटा वो कहीं नहीं जाएगी उसका वो सेफ्टी पिन ना कोई ले ले मम्मी उसे ले यार जल्दी दे। उसके हाथ में दिखाओ तो उसकी खुशी की वजह तो दिखाओ ये देखो चीनो इधर करेला है देखिए ना मुड़ी ना इधर तो देखो कैमरा की तरफ देख रही है। चीनो क्यों रो रही है बताओ चीनो को चुपिस के नहा दो हाँ ये सभी लोग देखो इसका मुंह रोने वाला हूँ इसका फेवरेट काम है ना ही खेलना ना ही खाना सिर्फ रोना दिखा वाह कितनी अच्छी लग रही चीनो रोते हुए दिखा 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 मैं मम्मी रेडी हो चुके हैं और आरुषि को बिल्कुल रेडी होना नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल भी कम कुछ भी तैयार नहीं होना उसको ऐसे ही रहना उसकी मर्जी से रहना है ना। अभी इसको अच्छा नहीं 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 अच्छी तो लग रही है हम सबसे ज़्यादा सुंदर तो आरुषि लग रही है। देखो अभी जल्दी से इसको रेडी करेंगे हम लोग चलो चलो चीनू ठेकुआ अभी बनाना बहुत काम है रोती क्यों हो बेबी तुम चलो मामू रेडी करो चलो 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 कैसे डेकोरेशन कर रहे देख लेते चलो 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 और मामू देख चीनो चीनो जय श्री राम नानी जी के हाँ हवा से बुझ गया संगीत बजाना नहीं है हाँ वो
दोस्तों मम्मी अभी जाके पूजा कर रही है। आरुषि इतना ज्यादा परेशान करती है बच्चों के साथ में, मतलब हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वो सेट नहीं होते हैं। और मम्मी पकड़ के रखी थी जब मैं पूजा कर रही थी, और अभी मम्मी पूजा कर रही है। और आरुषि हर जगह पूरे वीडियो में कोकोमेलन चला रही थी, कॉपीराइट ना आए उस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा म्यूजिक ऐड करना पड़ रहा है हर एक टाइम पे। मम्मी को मेहंदी मैंने लगाया है, ये चौक से ऐसा कर लिया मम्मी ने अभी, और ये पीछे कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। और ये हैप्पी तीज सबको। दिखाओ मम्मी, हम दोनों का मेहंदी दिखा। आप इधर दिखाओ ऐसे इधर, और एक और हाथ है ये देखो। दोस्तों मैं खोवा का स्वीट बना रही हूँ, और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि आरुषि को भी फ्रेश फ्रेश होना है। बच्चों का टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता। हाँ, एक टाइम के लिए फिक्स करते हैं, या एक हफ्ते तक अच्छे से सुबह के टाइम पे फ्रेश हो जाते हैं, या फिर दोपहर में। अभी आराम से मैं पहले सोची हूँ, चलो जब तक खोवा बना लेते हैं। तो मैं खोवा बना रही हूँ, दूध को अच्छे से धीमे आंच में पकाना। मैंने इसमें केसर डाला है और कुछ भी नहीं। और ये रहा चीनी पिसा हुआ है, और इलायची पाउडर जो इसमें जाएगा थोड़ा और सूख जाए तो। आरुषि क्या कर रही हो? वो जब से यहीं बैठी हुई है। यहाँ पे महाराज जी का अच्छे से तैयार हुआ है, रेडी होके पंडाल टाइप का वहीं बैठी हुई है, यहाँ से हटता ही नहीं है इसको। दोस्तों तो मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जो हमारे बिहार का फेमस है, और खोवा बना चुकी हूँ मैं। खोवा स्वीट घर पे ही बना हुआ है ये, प्योर दूध का। और अभी बजने वाला भी 2:30 बज चुके हैं, और आरुषि ने कांड कर दिया है जो मैंने बताया ना, सुबह से फ्रेश नहीं हुई है। तब उसे फ्रेश करके फिर से मैं स्नान करूँगी, और फिर उसके बाद फिर हम लोग रेडी होके पूजा करेंगे, जो शाम का हरतालिका का पूजा है। तो आप लोग भी फेस्टिवल में कौन कौन से पकवान बनाते हैं या फिर खरीदते हैं, कमेंट कीजिए। दोस्तों आरुषि मस्त सो रही है, और अभी 3:30-3:40 हो चुका है, 4:00 होने वाला। मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, और एक मिनट था ना, हाँ तो 4:00 अभी मैंने एक सिंदूर वाला रील चल रहा था ना, वो मैंने एक बना लिया है। तो जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि थोड़ा सवेरे पूजा करना है। सब कुछ रेडी कर चुकी है, फल फ्रूट वगैरह। मम्मी को दिखाओ, मैं सिर्फ बैठे बैठे रेडी हो रही हूँ, मम्मी ने सब कुछ किया है। हाँ वो रहा, सारा सामग्री रेडी है, बस हमको रेडी होना ना मम्मी। दोस्तों मैं और मम्मी तैयार हो गए, तो आप लोग बताइए कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो पहले मम्मी का लुक दिखाती हूँ, फिर मैं मेरा लुक दिखाऊंगी।
बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों शिव पार्वती माता का पूजा करने का समय हो गया है। हरतालिका का पूजा जो होता है शाम में ही ज़्यादातर किया जाता है, पर इस बार कुछ मुहूर्त का इशू होने की वजह से शाम में पूजा तो करने का समय थोड़ा फिक्स था, नहीं तो रात भर जैसे कि बताया 12 बजे तक इसमें जागे रहते हैं, 12 बजे क्या सुबह तक भी जागे रहते हैं। गांव घर में रहते हैं तो मतलब ननद भाभी सभी लोग मिलके रहते हैं, तो हम लोग तो नाच गाना करते करते ही कथा भजन सुनते ही और सुबह नहा धोकर गणेश जी की वंदना करने के बाद उसके बाद ही हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। मम्मी यहाँ पर बैठ के दोस्तों सारा कुछ कर रही है, वजह से मैं आराम से पूजा कर पाई। अभी तो तुम रो रही थी, अब तुमको भी न्यू ड्रेस पहना दिया ना। गिफ्ट मम्मा पूछी पूछी चलो पूछी चलो अब खेलो, अब नानी को ये ले दो ये दोस्तों बच्चों के साथ में तो जो काम एक घंटे में करना वो दो घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। आरुषि भी शाम में सो के उठी थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी और वो फ्रेश भी हुई थी इसीलिए अब उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी और ना ही किसी के हाथ से खा रही थी, प्रिया के हाथ से भी नहीं खा रही थी, भैया भी बाहर थे। पहले तो थोड़ी देर मैंने इसे मोबाइल दिखाया, मोबाइल देख के फिर चुपचाप थी, फिर उसको भूख लगा था तो थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह उसने खा लिया। और एक्चुअली आरुषि को लग रहा था कि मम्मी रेडी हो चुकी है, सब लोग रेडी है तो कहीं लोग मुझे छोड़ के कहीं बाहर ना जाए, यही इसको ज़्यादा टेंशन लगा रहता है। और फिर मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी दोस्तों, तो चलिए पूजा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आगे का पूजा दिखाती हूँ।
दोस्तों यहाँ पे पूजा शुरू कर दिया था हम लोगों ने, जितने भी फल फ्रूट थे और पान सुपारी सब कुछ यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के बाद में अब बारी थी जो हम लोग 16 सिंगार करते हैं वो पार्वती माता को चढ़ाते हैं, तो वो चढ़ाना था। तो यहाँ पे मम्मी अलग से चढ़ा रही हैं और मैं भी अलग से चढ़ा रही हूँ। और इससे यही मतलब माना जाता है कि जिस तरह से 16 सिंगार हम माता को चढ़ा रहे हैं वही हमारे ज़िंदगी भर जो 16 सिंगार है हमारा बरकरार रहे और हम भी हमेशा ऐसे माता की तरह ही सुंदर और सुहागिन रहें। दोस्तों हम लोग को ज़्यादा टाइम लग गया इस वजह से क्योंकि मेरा सिंगार भी अलग से चढ़ाया है, फल फ्रूट वगैरह जितना भी जो भी नियम है, और मम्मी ने भी, और पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, बस कथा सुनना है और आरती करना बाकी रह गया है। आज का दिन सारी महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है और बहुत इंतज़ार करते हैं हम लोग। ऐसे तो हर दिन हम लोग सज सकते हैं लेकिन आज के दिन में जो हम तैयार होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और पार्वती माता ने भी ये व्रत किया था महादेव के लिए। और ये रही आरुषि, दिखा आरुषि पछड़ काट रहा है। ओ मेला बेबी, आरुषि बिल्कुल भी दूर हटके नहीं कर रही, उसका अलग ही बिछा दिए हम लोग ताकि जूठा कूठा ना हो, बच्चों को तो माफ ही रहता है ना आरुषि। बाय बाय, मामू के साथ है भाई। आशुतोषाय नमः। चीनो आ जाओ, नानी को लेके अंदर आ जाओ, आ जाओ चलो गुड गर्ल। बाय पीपी, बाय पीपी, धीरे से। ये ये दिशु बहुत ज्यादा नानी ले ली उसको गोदी में। आरुषि जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो। यही खोज रही थी, तू नहीं ले रही थी ना मम्मा इसको, तो उसको लग रहा था कि मुझे नानी जब से नहीं पकड़ी हुई है। अब हैप्पी हो गई चीनो, तेरा पी दिखा, इसने भी हाल था लगा देखना। जय 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 जय।
आरुषि ने इतनी ज्यादा शरारत की है कि जिसका कोई हद नहीं है। बहुत ज्यादा मेरे को पीटा भी है, मतलब गुस्सा आ रहा था उसको, उसको लग रहा है मैं कहीं जा रही हूँ। इतना सच के कहीं जाता है क्या बताओ? वो खेलने का बताओ, उसे मैंने कपूर रखा है ना बेटा, रहने दो। अच्छा लो लो लो, तो चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है ले लो। देखो नानी पूजा कर रही कितना अच्छे से ना, तू तो है कि एकदम सुनती नहीं है, परेशान कर रही है। दोस्तों यहाँ पे पूजा हो चुका है, दिया बत्ती हम लोग कर चुके हैं और आरती भी हो गया। अब लास्ट में अंतिम बचा हुआ है जो हम हरितालिका का कथा सुनते हैं। हर साल हम लोग बुक से ही पढ़ लेते थे लेकिन इस बार वो बुक मिल ही नहीं रहा था और नया हम लोग खरीदे नहीं थे, इसीलिए इस बार ऑनलाइन से ही हम लोग टीवी में सुन रहे थे। जो कथा था उसका जिस्ट जो होता है, वैसे तो एक 10 पेज का बुक होता है हरितालिका का, तो वही पढ़ते थे हम लोग और इस बार हम लोग कथा सुन रहे थे इस वक्त। इस वन में तुम लगातार तप करती रही, पर्वतराज तुम्हारे न मिलने से परेशान, तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है, अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। होने का आशीर्वाद मांगती है वही कुमारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत अच्छे पति की कामना हेतु रखती है। हरतालिका तीज में सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूरे मनोयोग से पूजन और कथा करती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। हरियाली बाबा की जय, बोले पार्वती माता की जय, बोले हरितालिका व्रत कथा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। तो दोस्तों आप लोग ने भी होपफुली कि अच्छे से पूजा कर लिया होगा, व्रत भी अच्छे से पूरा कर लिया होगा और हमारा तो पूजा अच्छे से हो गया है। आरती भी बस आरती करना बाकी है और फिर आज बहुत सारे लोग तो सोते हैं 12 बजे तक और 12 बजे के बाद थोड़े लोग सो जाते हैं, तो चलिए आरती करते हैं। वाह ओहो देखिए ड्रामा आरुषि, अरे का व्रत कथा की जय, बोले भोले बाबा की जय, बोले पार्वती मैया की जय, बोले सभी देवी देवताओं की जय, आशुतोष महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुबह आप लोगों ने देखा था पूजा हो गया था और हरितालिका व्रत का जो पूजा शाम में किया जाता है, कथा वगैरह सुना जाता है, तो अभी सब हो गया महादेव के कृपा से, महाराज जी की कृपा से। और हम लोग अभी आरती नहीं करेंगे, सुबह आरती करने के बाद में ही फिर पूजा होगा गणेश जी का, उसके बाद में हम पारण करेंगे जो मतलब कि जो उपवास तोड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो बहुत ही जल्दी आरुषि के भाई या बहन आने वाले हैं, तो मैं सोची थी कि एक रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि अब जो रिव्यू वाले वीडियो हो गए हैं ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है आरुषि को भी देखना और ब्लॉग बनाना, इसलिए मैं सोची जो रेगुलर वीडियो होता है वो मैं रेगुलर अपलोड करूँगी अभी से। और आरुषि बहुत ही ज्यादा तंग कर रही है, तो खुशखबरी यही है कि
फिर से मैं मम्मा बनने वाली हूँ और आरुषि को जल्दी से एक भैया या बहन आने वाली है और आरुषि बड़ी दीदी बन गई है ना। क्या तुम खुश हो? इधर से दिखाओ, ये गलत हो रहा है मम्मी, मेरे प्रॉपर्टी के अलग अलग लोग आ रहे हैं। दोस्तों कथा सुनने के बाद में भजन लगा हुआ था टीवी में और आरुषि बिल्कुल नहीं रुक रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, डांस करी जा रही थी वो। मैं और उनकी नानी और प्रिया माँ, हम तीनों मिलके उसका साथ दे रहे थे, क्लैप्स कर रहे थे और फिर लास्ट में बहुत ही धूमधाम से अच्छे से हम लोगों ने ये पूजा को सम्पन्न किया और आरुषि अभी भी फुल एंजॉय कर रही थी, अभी भी उसका पूरा जोश रुक नहीं रहा था, अभी भी डांस करती जा रही थी, करती जा रही थी। और मन से खुशी से हम लोग का ये तीज का भी व्रत पूरा हुआ और कथा भी हम लोग सुन लिए। आरुषि यहाँ पे मस्ती किए जा रही थी क्योंकि टीवी में कथा लगा था तो बिल्कुल ही नहीं रह रही थी वो, तो उसे हम लोग मोबाइल में लगा दिए थे कार्टून, तो वो शांत थी उस समय तक। कैसे लग रही है? दोस्तों जैसे ही हमारा पूजा भी खत्म हुआ वैसे ही आरुषि के पापा भी आ चुके थे और आरुषि बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि हमेशा लेट हो जाता है, तो आज वो टाइम पर आ गए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दोस्तों इस बार की तीज पूजा बहुत ही धूमधाम से हुई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और यहाँ पे मैं इनका पैर छू के आशीर्वाद ले रही हूँ मेरे पति देव जी का, वैसे तो मना करते हैं और हम दोनों मिलके घर के जो बड़े हैं मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तीज का पर्व हुआ और आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।